ओके तो डार्ट में हमारे पास जो नॉर्मली डार्ट में क्या मतलब हर प्रोग्रामिंग में हमारे पास तीन तरह की लूप होती हैं, तीन चार तरह की। एक फॉर लूप होती है, एक वाइल लूप होती है, एक डू वाइल लूप होती है। क्लियर है जी? लाइफ ब्यूटी, एक सेकंड, लाइफ ब्यूटी काइंडली अपना नेम जो है ना आप एक वैलिड रखें, किसी ने क्या रखा हुआ है मुझे नहीं समझ आती इस तरह के नेम की, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल के अपना नेम काइंडली चेंज करें। अब ये लाइफ ब्यूटी है, मैं इसको क्या समझूं अब मैं? जी हैंड रेज हुआ था, क्वेश्चन करें। सर चैनल नेम है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ठीक मेरे भाई, मैंने स्क्रीन अभी शेयर की ही नहीं, मैं करूंगा तो फिर आप लोगों को कुछ नजर आएगा। ठीक है, आप स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, कोई बहुत ठीक यस है। सर, ओके यस तो हमारे पास इसके अंदर डार्ट में तीन तरह की लूप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, क्लियर है? अब ये लूप होती क्या चीज है? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। किसी भी काम को बार 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 रिपीट करना, ये लूप होती है। ठीक है, यस सर, सर थोड़ा जूम कर मैग्नीफायर कोई भाई कल बोल रहे थे, इतना जूम बहुत है या और ज्यादा करूं? नहीं सर, बहुत है। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है ये है। ओके तो फॉर लूप, लूप का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज को बार बार हमने रिपीट करना है एक लिमिट तक। लेट्स सपोज दे हमारे कोई बोलते हैं कि ये 20% का डाटा है, आपने एक एक करके उठाना है, मतलब वो हम लूप लगाएंगे उसको 20 टाइम्स, हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, रेपिटेशन जिस चीज में आएगी ना उसको, उसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, हम लूप करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान जो है मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 10 दफा। एक तो तरीका मेरे पास ये है, 1 2 3 4 कुछ इस तरह करके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 ही हुए। एक तो तरीका ये है कि मैं इनको बोलूं कि ये जो है ना इस तरह आप, एक तो तरीका ये मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें आप लोग नीचे, ये उसने 10 दफा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए आप, हम लूप्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं वाइल लूप। इसके लिए सब हमें ये माइक किसका ऑन है? अब किसी का माइक ना ओपन रहे। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जो है इंट, इंटीजर टाइप कोई भी वैल्यू होती है उसको हमें मेंशन करना लाजमी नहीं है। जे आप यहाँ पे आई भी यूज कर, कोई भी वैल्यू वेरिएबल का नेम कोई भी आप रख सकते हैं, वो रखना है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेंटेक्स है, वर्ड कीवर्ड लिखना है वाइल। अब वाइल के अंदर क्या कंडीशन लगानी है इसको, सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर हमने लगाने हैं 10। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन 10 क्या करो, इसका आगे ये बॉडी होती है, इसके अंदर हमने लिखना होता है प्रिंट पाकिस्तान। क्लियर है? यस सर, जी सर, यस सर, ओके ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो काम मैंने 10 दफा लिखा था वही काम इसने मेरे कुछ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, एक सेकेंड, ओ सॉरी यहाँ पे एड्रेशन आई प्लस प्लस।
जैसे क्यों नहीं चल रहा सर? आई को 0 पुट करेंगे। आई को 0 नहीं पुट करना, फिर आइट्रेशन कैसे होगी सर? सर आई आई की वैल्यू के अंदर 10 मेरी बात बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, ठीक है सर? हमने 10 डिफाइन कर दिया तो 10 से लेस हो गई, नहीं तो प्रिंट भी नहीं होगा सर। 0 जब आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर, वो 0 से 10 तक जाएगा तभी वो प्रिंट करेगा ना। सॉरी माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। हां ठीक है, एक सेकंड, समवन, ठीक है, ओके, सॉरी माय मिस्टेक, लॉजिकल एरर था मेरा, ठीक है। तो इसने ये क्या किया जी, 10 दफा हमें पाकिस्तान प्रिंट करा दिया। मीन वाइल लूप हमारे लिए फायदेमंद होती है, जो हमने एक काम करना होता है वो करते हैं, ठीक है, क्लियर है जी सर? जी आई ठीक है, लेस देन है yes. यहाँ पे ये जो आई प्लस प्लस क्या कर रहा है, ये प्लस प्लस काम कर रहा है, आई है उसके अंदर प्लस प्लस, दो दफा प्लस प्लस का मतलब है कि इसके अंदर एक प्लस करता जाएगा, ठीक है। लूप आई यहाँ पे, उसने देखा आई की वैल्यू 0 थी, वो उसने 0 देखा, वो 10 से छोटी है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई, जिस तरह कल हमने इसमें देखा था, मतलब ये है कि वाइल यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है जी सर? क्लियर है, मतलब yes, यहाँ पे वो एक बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये बुलियन वैल्यू जो या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करके लिख के देखता हूँ क्या करता है। उसने क्या किया, ये फॉल्स है तो इसने ऑटोमेटिकली देखा आप लोगों ने जिस तरह कल उसने किया था, वैसे इसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, ठीक है। उसके नीचे आया, उसने क्या किया, उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जब आया ना कंपाइलर, उसने देखा कि हाँ आई है, आई के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, उसने क्या किया आई के अंदर प्लस प्लस कर दिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस सॉरी प्लस 1 कर दिए, एक सेकंड सर, आई को वैल्यू साइन करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एक सेकंड जस्ट सर, आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। हाँ वही मैं देखता हूँ, आप इसमें इस तरह होता है डॉट में, मेरे ख्याल में हाँ होता है, ठीक है। ये वाला काम भी कर सकते हैं हम लोग, और ये वाला काम भी कर सकते हैं, I is equal to plus 1, और यहाँ पे हम कर देंगे I, ठीक है। तो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट बेटर कि इसकी जगह हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हम वो यूज कर ले, ये ज्यादा अच्छे, ठीक है। व्हाइल लूप क्लियर है जी सर? ओके ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट है वो हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप में अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे पहले से वेरिएबल हम डिक्लेयर कर ले, या यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जे इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ 0। अब j लेस देन, अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूं, और यहां पे ही मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्लियर है जी सर? यस सर, ठीक है। तो यहां पे भी जो मैं वो प्रिंट करवा दूंगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, 10 दफा उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा इसमें एक मजे की चीज है, ये चीज हमारे पास ऑप्शनल है, अब वो लूप चलती जाएगी, इन्फिनिटी में चली गई है, क्योंकि कुछ भी इंक्रीमेंट और कम ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब जे के में प्लस प्लस किया था तो जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो वो एक लिमिट के बाद स्टॉप हो गई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ,
जे की लिमिट हमने स्टॉप नहीं की, मतलब इंक्रीज नहीं की, तो वो उसने देखा कि जे की तो वैल्यू वही है, वो कम वो ज्यादा नहीं हुई, वो जीरो की जीरो ही है, तो वो क्या है, वो इन्फिनिटी में चली गई लूप। क्लियर है? जी सर। ओके तो यस सर। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जे कर देता हूँ प्लस प्लस। अच्छा इसमें ये तीनों फील्ड ही इसमें ऑप्शनल है, अगर मैं ये तीनों रिमूव करके ये करता हूँ, देखते हैं क्या हमें करवाते लूप। ये देखे ये इन्फिनिटी में चली गई है ऑटोमेटिकली, अब ये इरिटेट होती रहेगी, अब ये रुकेगी नहीं, ये इन्फिनिटी में है लूप। क्लियर है? जी सर। यस सर। इसके बाद आ जाती जी डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में आपने वो व्हाइल लूप, लूप का तो आपको पता ही बता दिया, इसमें आपने करना है इंट जे इज इक्वल टू जीरो डू, डू का मतलब है करो, ऐसे ही है? जी सर। ये लेस देन 5 यार, 10 काफी यूज कर लिया हमने, यहाँ पे लगा देंगे हम सेमी कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यार एक तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं जाती मेरी, अच्छा बताएं ये लूप इन्फिनिटी में जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं सर। पक्की बात है? अगर मैं बोलूं कि ये इन्फिनिटी में जाएगी, जे प्लस प्लस में इंक्रीमेंट ही सर, इन्फिनिटी में जाएगी क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट नहीं है। हाँ इसमें इंक्रीमेंट नहीं है, अगर हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो ठीक है, अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे वो ये लूप हमारी इन्फिनिटी में चली जाएगी। ठीक है? जी सर। तीनों लूप्स क्लियर है? यस सर। जी सर। सर तीनों लूप्स में डिफरेंस क्या है? तीनों लूप्स चले मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ। डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक दफा चलती होती है, कंडीशन ट्रू हो या ना हो, मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 5, मैं बोलता हूँ इक्वल टू 5। उसने एक दफा उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ये डू वाइल है। इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले वो वाला काम जो होता है इस बॉडी के अंदर, वो वाला जो काम हमने लिखा होता है वो हो चुका होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर बाद में जब वो बाहर आता है तो वो कंपाइलर यहाँ पे चेक करता है कंडीशन को। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। मीनवाइल कंपाइलर जो है, पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना कंपाइलर काम किस तरह करता है। कंपाइलर करता है लाइन बाय लाइन रीड करता है, पहले वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको वैल्यू कुछ असाइन करेगा, फिर वो बोलेगा हाँ डू बोला हुआ है, फिर वो इस चीज को रीड करेगा, वो प्रिंट करा देगा, इस चीज को करेगा, फिर यहाँ पे आगे कंडीशन को चेक करेगा। मीनवाइल ये एटलीस्ट एक दफा ये डू व्हाइल लाजमी चलती होती है। ठीक है? जी सर। यस सर। अब आ जाते हैं हम व्हाइल की तरफ। सम टाइम अक्सर हम गेम खेलते होते हैं और हमें पता होता है कि ना हमें जे इज नॉट इक्वल टू 5। वो हमें कुछ डायलॉग गेम्स में मोस्टली डायलॉग इस तरह होता है कि आप एक्स एंटर करेंगे ही तो बाहर जाएंगे, एक्स एंटर नहीं करेंगे तो आप बाहर नहीं जाएंगे, या कोई एक स्पेसिफिक बटन पे हमें कंडीशन लगानी होती है कि भाई आप ये चीजें एंटर करेंगे तो आप लोग बाहर जाएंगे, अदरवाइज आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? तो ये वाला काम जो है हम व्हाइल लूप के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे, नहीं ये इस तरह नहीं, इसके लिए हमें इनपुट लेनी पड़ेगी। एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसका कोड लिखता हूँ।
is equal to int dot parse और यहाँ पे होगा stdin dot read line by sync ये क्या एरर दे रहा है stdin dot सॉरी यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट डॉट आयो आई थिंक नहीं इसका एक फंक्शन है हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है सर कल आपने नल चेक किया था नल चेक वो और चीज है यार यहाँ पे इनपुट हमने लेनी है रीड लाइन टू सिंक इसको हम क्या करेंगे कट करेंगे इंट डॉट पार्स ये ऐसा स्ट्रिंग लेता है तो स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट ठीक है इस तरह नहीं करना चाहते कोई बात नहीं ठीक है ना चले यहाँ पे हम क्या करते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ जे हम क्या बोलते हैं कि जब ये लूप तब तक चले जब तक जे इज इक्वल नॉट इक्वल टू 5 है भी करनी है तो इसको मैं साथ में दोबारा कॉपी करता हूँ और ये करता हूँ इधर पेस्ट ठीक है ताकि उनको साथ साथ पता भी चल जाए एक सेकेंड अब्दुल्ला एकेडमी डाल ओके तो इसको अब हम करते हैं एग्जीक्यूट देखते हैं क्या एंटर द वैल्यू ऑफ 5 ओ सॉरी 5 लिखा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे मैं 2 करता हूँ वो देखो उसने मुझसे दोबारा पूछा मैं इधर 3 करता हूँ नहीं भाई पाकिस्तान प्रिंट करवाया साथ में उसने उसने साथ में पूछा अब मैं 5 करता हूँ हाँ एक सेकेंड यहाँ पे कंडीशन गलत जे इज नॉट इक्वल टू 5 जे 5 के इक्वल नहीं है जब तक ठीक है तो अब मैं 5 ओके 5 के इक्वल जे इज इक्वल टू करके देखते हैं टाइम क्या करता है ये इंटर द वैल्यू ऑफ 3 वो लूप में नहीं गया ठीक है इज नॉट इक्वल टू 5 सॉरी हाँ यहाँ पे ये है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो इस लूप में एंटर होगा जे प्लस प्लस हमने नहीं लगाया सर नहीं नहीं जे प्लस प्लस लगना भी नहीं इसमें हमने वो कंडीशन बनानी है अपनी कि जिसमें हम एक लूप जो है हम इरिटेट करें और वो हमें प्रमोट करे कि जब तक मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ना एंटर करते उतनी देर तक ये लूप जो है वो चलती रहे अब ठीक समझ आई आप लोगों को यस सर अच्छा वो पता है क्या इशू कर रहा है क्योंकि वो ये वाली जे की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अब क्यों नहीं कर रहा इसको देखते हैं क्यों नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा अब चलाते हैं इसको कॉपी पेस्ट में यही मसले होते हैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे री एंटर कर दो उसने दोबारा पूछ अब क्या किया मैंने 5 एंटर किया उसने बोला हाँ ये तो वैल्यू तो 5 की इक्वल आ गई है क्या किया उसने लूप फौरन खत्म कर दी दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंटर द वैल्यू एक मिनट इस तरह 5 को रिमूव एंटर द वैल्यू एंटर द वैल्यू 5 टू एग्जिट क्लियर हो जाएगा सारा ठीक है उसने बोला कि 5 वैल्यू एंटर करोगे तो आप एग्जिट हो गए अदरवाइज आप एग्जिट नहीं हो गए लेट्स सपोज मैं 2 एंटर कर देता हूँ वो मुझसे दोबारा बोलेगा कि भाई आप 5 एंटर करो फिर ही आप एग्जिट हो गए ठीक है
क्लियर है सर। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 एंटर किए जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो मुझसे बार बार बोली जा रहा है कि भाई आप 5 ही एंटर करो। जैसे ही मैं 5 एंटर करता हूँ, उसने क्या किया, फौरन लूप से चेक किया, जे की वैल्यू अपडेट की, और उसने फौरन खुद को लूप से बाहर निकाल दिया। क्लियर है जी सर। व्हाइल लूप हम क्यों यूज करते हैं, पीछे रह गए हमारे पास फॉर लूप, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लूप है फॉर लूप। इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 5 है, या इस तरह। एक सेकंड, फॉर लूप का हम एक और तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लेट सपोज मैं बोलता हूँ फॉर लूप लगा दी यहाँ पे, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे प्लस प्लस, जे लेस देन 5 कर देते हैं, इतने दफा डाटा नहीं एंटर किया जाएगा, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या है, यूजर नेम लिस्ट डॉट एट ऐड करो, लेकिन क्या करो, यहाँ पे मैं एक stdn डॉट रीड लाइन से भी वही इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं, और यहाँ पे ये सेमी कॉलर। ठीक है, सर ये क्या है जो छोड़ो, एक छोड़ो इसको, एक दफा मैं बताता हूँ। प्रिंट एंटर द वैल्यू टू ऐड, एंटर द नेम, एंटर द नेम, string str is equal to, इसके आगे कर देते हैं ये, string to, string to annotate, what do you mean annotate, मैं कर देता हूँ str not null। ठीक है, ये null safety वो बोलेगा कि हाँ ये वैल्यू जो होगी आपकी वो null नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एंटर द नेम, अपने अपने नाम बोलो कोई, साथ एक रफी, रफी और अनस, अबू बकर, अनस, अहमद, बकर, अहमद। ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया था, प्रिंट क्या नाम था, यूजर नेम लिस्ट। ठीक है, सॉरी दोबारा हम रिपीट करें, साद है एक, रफी, अबू बकर, रफी, अनस, अनस और फैजान अब्बास। ठीक है, वो क्या किया उसने, जिस तरह हमने एंटर किया ये वैल्यू, क्या कर रहे थे हम, वन बाय वन करके जिस तरह नेम एंटर करते जा रहे थे, वन बाय वन हमारी ये लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे थे डाटा। तो जब ये लूप मेरे खत्म हुई, तो खत्म होने के बाद ये वाला काम जो है हमने इसके साथ कर दिया, वो वाला लूप हमारी खत्म हुई फॉर लूप। तो इसके बाद हमने क्या काम कर दिया, हमने उसको प्रिंट करवा दिया। क्लियर है सर? ये यूजर नेम लिस्ट डॉट ऐड सर, इसकी समझ नहीं आई क्या, एसटीडीन यूजर नेम लिस्ट डॉट ऐड 7 नंबर लाइन, यस सर। ये नहीं समझ आई आपको, यूजर नेम लिस्ट सर 7 नंबर लाइन डॉट ऐड, जी सर। ये डॉट ऐड क्या है, ये एक फंक्शन है, क्या करता है हमारा ये डॉट ऐड फंक्शन, जब हम डॉट ऐड करते हैं तो वो करता ये है कि एक वैल्यू लेते हैं स्ट्रिंग की,
एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है? Yes, वो क्या करेगा इस, वो इस ऐड क्या करेगा, वो लिस्ट के वैल्यू एक एक्सेप्ट जो हम इसको देंगे वो क्या करेगा, वो जो हमने लिस्ट डिफाइन की है ये वाली लिस्ट यहाँ पे, तो वो एम्प्टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड, प्रिंट यूजर नेम लिस्ट, ये नीचे वाला मैं कोड जरा एक दफा कॉमिट आउट कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये लिस्ट क्या है हमारी, एम्प्टी है, ठीक है? यस सर। तो ये जो डॉट एड का फंक्शन है, मैं इसको अब अनकॉमिट करके इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 5 ज्यादा है यार, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, इतनी बहुत है, ठीक। एंटर द नेम एबीसी, ठीक। तो अब पता चला कि यहाँ पे वो जो लिस्ट के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं रखा, लिस्ट हमारी एम्प्टी है, ठीक है। डॉट एड का फंक्शन ने क्या किया, वो जो वैल्यू हमने एंटर की है वो वैल्यू इसने खुद ब खुद उस लिस्ट के अंदर क्या करता गया, ऐड करता गया। अब क्लियर है डॉट एड का फंक्शन? हां यस सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, अब चलें, अब हम जरा थोड़ा सा आते हैं फंक्शंस की तरफ। अच्छा, एक आप लोगों के लिए पर्सनली असाइनमेंट है और टास्क भी है एक, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करके, ठीक है? जी सर। अच्छा सर, फंक्शन एंड मेथड में, हाँ जी, फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है? जावा के अंदर हम मेथड्स यूज करते हैं, फंक्शन नहीं, लेकिन सी प्लस प्लस या सी प्रोग्रामिंग है ये डार्ट, इसके अंदर हम फंक्शन यूज करते हैं, मेथड नहीं। वर्ड कीवर्ड मतलब फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है, ठीक है? Okay, अच्छा sir. पहले हम देखते हैं हम फंक्शन क्या चीज है। कोई भी काम हमें बार बार हमारा रिपीट हो रहा हो ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फंक्शन अपना बना लेते होते हैं, ठीक है? यस सर, क्लियर है? उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को हम कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं, फंक्शन को हम कुछ कुछ में वैल्यू पास करते हैं, कुछ में हम कुछ वैल्यू लेते भी हैं, ठीक है? तो हम अपने एक फंक्शन बता देते हैं, मतलब इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कितनी लाइंस ऑफ कोड एक्सीड हो तो हमें फंक्शन बनाना चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज चली जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है और इसमें हम डॉट में डिफाइन किस तरह का, कि कोई भी चीज हमारी रेपिटेशन में आए ना, वो वाला काम जो है हमने फंक्शन के थ्रू करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void टाइप का, void get name के नाम से, get name, वही वाला for int k is equal to 0, k less than 5, A++. या इसको एक दफा फार को छोड़े, ये हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे ना, वैल्यू रिटर्निंग या इस तरह का कोई और आर्गुमेंट उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्रिंट हाय देयर, कल एक भाई बोल रहे थे कि सर आप प्रैक्टिस कर लिए करें, हम बताएं जी, अब एक चीज रैंडमली बंदे के माइंड में आनी, उसमें बंदा क्या प्रैक्टिस करे, हम लिख देते बेस्ट ऑफ, ठीक है? अब लेट्स सपोज ये लाइनें जो है मैंने कुछ 5 से 7 जगह मैंने लिखनी है, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉल करूंगा, तो उसने क्या किया, वही काम मेरा प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स सपोज ये मैंने 5-7 दफा कहीं सी ने डिफरेंट प्लेसेस पे लिखना है, तो क्या मैं हर दफा जो है वो मैं ये 3 लाइनें लिखूंगा, हर दफा 3 लाइनें लिखूंगा, वो अच्छी प्रैक्टिस है कि ये अच्छी प्रैक्टिस है, मैं इसको किसी एक कैप्सूल में बंद कर दूं, जहां पे मुझे नीड हो मैं उस कैप्सूल को बुला लूं, बताएं यार आंसर तो दें। ये ज्यादा अच्छा है सर, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। तो इस काम के लिए हम जो यूज करते हैं, मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है?
छह लाइने होगी, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखें, अब मैंने जो छह लाइने लिखनी, वैसे मैं नॉर्मली लिखता इसके अंदर तो मुझे छह लाइने लिखनी पड़नी थी, ठीक है, और वही काम मेरा कितनी लाइनों में हो गया, दो दफा लिखने से। तो ये हमारे फंक्शन, ये जो है हमारे लिए, ये क्या करते हैं, आसानी करते हैं, ठीक है। ये हो गया void type function, clear है। जो void type function होते हैं, इसमें हम value कुछ भी नहीं return करते, ठीक है, clear है? Yes sir, जी सर, okay। इसको मैं करता हूँ commit, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अब हम बनाते हैं दूसरा function value returning, में क्या हम रिटर्न करेंगे, हाँ स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, हाँ क्या रखे फंक्शन का नेम, कोई नेम ही बता दो यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। माय फंक्शन, चलो माय फन रख देते हैं, माय फन, ठीक है। ये मेरे ख्याल प्री डिफाइंड है इसके अंदर, इसका ये है, ठीक है, माय फन। यहाँ पे हमने इसको वैल्यू रिटर्न करनी है, अब भी यहाँ पे चलो मैं अपना नेम ही रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है? जी सर, जी सर। ये हम स्ट्रिंग क्यों करें रिटर्न, करते हैं बुलियन, और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे खाली मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ। सम टाइम हमें ये वाला फंक्शन डार्ट में ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो हम ये वाला फंक्शन हम वैसे बना रहे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इफ माई फन, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, ठीक है, विजिबल है, क्लियर है सबको? यस सर, इसको एक्सप्लेन कर दो, ये काम किस तरह कर रहा है। अब ये जो बुलियन है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न टाइप है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, उसने फिर भी प्रिंट करवा दिया। तो डार्ट की ये ब्यूटी है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हम इसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं लगाते तो, ठीक है। अच्छा, इसके स्टार्ट में हम वाइड लगा के देखते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें एरर देता है, एरर देता है कि भाई आपने इसको वाइड टाइप डिफाइन किया लेकिन वाइड में वैल्यू रिटर्न नहीं होती, क्लियर है? यस सर, जी सर। तो वाइड में उसने बोला, उसने हमें जो है वो कर दिया कि नहीं भाई आप वाइड में वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहे, वैसे एरर इसका हमें देखना चाहिए, इस पे क्या देता है कंपाइलर पे हमें क्या देता है, ये तो इसका दूसरा है ना, ये देखिए उसने हाईलाइट कर दिया दिस एक्सप्रेशन वाइड कांट बी यूज, मतलब आपने वाइड है तो उसमें रिटर्न नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारा बुलियन टाइप का फंक्शन है जो हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर लेते हैं, int x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 है तो हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, तो बोलो तो सही, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब हमने यहाँ पे हमने कल देखा था, यहाँ पे या तो वो ट्रू एक्सेप्ट करता है या फिर क्या करता है, एक्सेप्ट, फॉल्स एक्सेप्ट करता है। अच्छा, मैंने क्या काम किया, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया, जो कि एक बहुत बहुत बुरी प्रैक्टिस है। हम क्या करेंगे, बूल वाल इज इक्वल टू माय फन, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे वैल्यू। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, काम फिर भी ये वही करेगा, क्लियर है? जी सर, यस सर, ओके।
अब हम देखते हैं हमारा पैरामीटर वाला फंक्शन। अच्छा जी, अब डॉट की सबसे जो अच्छी ब्यूटी है ना वो मैं बताता हूँ। ये है पैरामीटर वाला फंक्शन, ठीक है। इसमें आगे अगर फर्दर हमने कुछ और फंक्शन देना है तो वो हम यहाँ पे इनकी या कुछ भी डाटा टाइप पहले साथ में डिक्लेयर करनी होती है। एबीसी वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है, डाटा टाइप हम वो सारी मेंशन करेंगे और देन ओके डन। इसके बाद नेक्स्ट आपका वैसे एक लेक्चर होगा ऊपे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीक मतलब हमारा ऊपर जाएगा और उससे नेक्स्ट वीक हम जो है फर्दर जो हम प्रॉपर जो है फ्लटर की तरफ आ जाएंगे। ये आप लोगों के लिए ठीक है, पर बेसिक क्लियर कराना जरूरी था, बेसिक आप लोगों के क्लियर कराना जरूरी था क्योंकि कुछ लोगों को ऊप के कॉन्सेप्ट भी नहीं पता थे। अच्छा, अब हमने क्या कर रहे हैं, ये मुझे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं यू क्लिक मी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक नंबर पास कर रहे हैं। तो इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये करता है मी, और इसमें नंबर हम दे देते हैं थ्री। क्लिक टाइम, इसने क्या किया क्लिक टाइम, और हमने ये जो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास की थी उसको यहां पे प्रिंट करवाया और मुझे एज अ स्ट्रिंग क्या किया इसमें रिटर्न कर दिया। क्लियर है जी सर? सर ये डॉलर साइन क्या है? डॉलर साइन मैंने कल बताया था कि ये डॉट की ब्यूटी है कि आपको कंकैटिनेशन नहीं करनी पड़ती, आप एक स्ट्रिंग के अंदर ही किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, डॉट की आज एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, मेरे ख्याल में पाइथन में नहीं है ये चीज अवेलेबल, किसी भी लैंग्वेज में मेरे ख्याल में नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अलावा शायद हो, मुझे पता नहीं। फिर इंट, अच्छा ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, ऐड अ रिक्वायर्ड कीवर्ड, या तो आप रिक्वायर्ड लगवाओ या फिर इसको नल एंटर कर दो, ठीक है। एक ये तरीका है लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम यहाँ पे इसको वैल्यू को नल रखें, यहाँ पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ जीरो, एक इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना मैं इसको वो जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे एक दफा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो उसने क्या किया कि आपने एक दफा भी क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब इधर आगे कंट्रोल, अब इन आऊंगा ना तो देखो उसने मुझे मेंशन किया है कि नंबर है कुछ आपका पैरामीटर, इसके आगे आप कुछ मुझे इंटीजर वैल्यू दोगे। अब इसमें मैं सिक्स एंटर करके करता हूं एग्जीक्यूट, वो क्या करेगा, उसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। क्लियर है जी सर? अब मैं रिमूव करके इसको दोबारा चलाता हूं तो वो क्या करेगा, वो उसने बोलेगा कि नहीं भाई आपने मुझे एक दफा भी क्लिक नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आ रहा था किसके आगे आप रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाया, अब हम रिक्वायर्ड को देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड का क्या काम है। क्लिक टाइम, क्लिक टाइम रिक्वायर्ड, अब मैंने इसको मैं रिमूव करता तो वो मुझे एरर देता है, कहता है भाई आपने इसको रिक्वायर किया हुआ है लेकिन आपने उसको कुछ वैल्यू नहीं दी। अब मैं यहाँ पे इसको वैल्यू टू दूंगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एरर देगा मैं। क्लियर है जी सर? क्लियर, यस सर। ओके, ठीक है, ये वाला फंक्शन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन की भी समझ आ गई, पैरामीटर फंक्शन की भी आप लोगों को समझ आ गई जी सर? यस सर। अब हम देखते हैं एक वाई टाइप का फंक्शन, यही है गेट नेम, इसके अंदर हम एक लगाते हैं फॉर लूप, यहाँ पे हम एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बताओ पैरामीटर इसको नेम कंस्ट्रक्टर रखूं या खाली पैरामीटर रखूं, बताएं जल्दी बताएं।
ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसका नाम है नेम्ड कंस्ट्रक्टर, क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे हम वैल्यू सॉरी ये इसी को मैंने नेम दिया, अब मैं खाली यहाँ पे इंट करके कुछ वैल्यू दूंगा तो वो खाली होगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आप बताओ पैरामीटर रखूं या नेम्ड रखूं? सर पैरामीटर। पैरामीटर ठीक है, कोई बात नहीं। इंट नाम ठीक है, इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ क्योंकि लूप वैसे नहीं चलनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक नाम आ जाएगा, नाम लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। सॉरी यहाँ पे वेरिएबल का नाम प्रैक्टिस और काम कर करके इधर से दिमाग घुमा पड़े। ओके प्रिंट, अच्छा हम बोलते हैं यार प्रिंट के लिए भी ना आप मुझे दो स्ट्रिंग दो, नेम नेम डिफॉल्ट में क्या रखते थे इसका एबीसी, ठीक है? क्लियर है? जी सर। गेट नेम, नंबर को हमने रिक्वायर किया बस उसने फौरन बोला कि भाई रिक्वायर है मुझे नंबर दे, नंबर हम दे देते हैं 3। यहाँ पे हमने कंडीशन क्योंकि लेस देन 5 लगाई हुई तो इसलिए मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। उसने एबीसी एबीसी प्रिंट करवाया क्यों ये आप लोग बताएंगे। हमने लूप लगाया हुआ इसलिए सर, एक एक करके बोले जी कोई एक पहले सर, टू टाइम कंडीशन ट्रू होता है सर। क्या 3 से 5 तक टू टाइम कंडीशन ट्रू होता है? मैंने कहा है उसने एबीसी क्यों प्रिंट करवाया क्योंकि सर आपने नेम, नेम को ही प्रिंट करवाया ऊपर, नेम में डिफॉल्ट एबीसी है ना। अच्छा नेम डिफॉल्ट एबीसी है, कोई और कोई रीजन बता सर? अगर कंडीशन ट्रू ही तो प्रिंट नेम, नेम को प्रिंट करे जो पैरामीटर हमने पास किया है सर, तो टू टाइम कंडीशन ट्रू है तो नीचे बॉडी पे चला गया नेम को प्रिंट। मैं एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने एबीसी ही क्यों प्रिंट करवाया कुछ और क्यों नहीं, अब समझ लगी आपको? तो उसको पैरामीटर में दिया हमने बाद नेम में एबीसी सर, हमने आउटपुट मांगी ही नेम की है तो वो नेम ही प्रिंट करेगा ना सर। आउटपुट तो हमने नेम की मांगी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने एबीसी ही क्यों प्रिंट करवाया? नलीन अब्बास क्या नाम है आपका यार, ये आप बोलो पहले। सर हमने नेम में जो वैल्यू पास करवाई है वो एबीसी है इसलिए उसने एबीसी आउटपुट करवाया। यहाँ पे तो मैं कोई वैल्यू नहीं पास करवा रहा फिलहाल, चले ठीक है ओके आप एंड ऑन कर ले। क्लासरूम से निकाल दूंगा सर, मैं दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर रहा था लेकिन उससे ज्वाइन नहीं हो रहा था, वही तो मैं बोल रहा हूँ या तो अपना नेम ठीक कर लें या फिर मैं क्लासरूम से निकाल दूंगा। और काइंडली ये मेरे सबसे है, जो लोग अपना नेम नहीं ठीक कर सकते वो फिर क्लास छोड़ के जा सकते हैं परमानेंटली। सर मैं दूसरी ईमेल से ज्वाइन कर लूंगा। दैट्स वो आपका हेडिक है क्योंकि, और ये जितना जल्दी हो सके दूसरी ईमेल से आप ज्वाइन कर लें, नहीं तो आज मैंने चीजों बंदों को रिमूव करना है, बहुत से बंदे हैं क्योंकि अभी एक्टिव कितने 21 रहेंगे बाकी सारे उड़ जाएंगे आज। ओके सर, सर वो स्क्रीन अब शो नहीं हो रहा मुझे। भाई मैं स्क्रीन पे कुछ कर भी नहीं रहा सर, वो जो आपने सवाल पूछा था सर।